लेकिन सत्ता में अब बात एक ऐसे आतंकवाद की करने जा रहे हैं जिसमें कोई बॉर्डर नहीं है बल्कि सड़क और एक्सप्रेसवे है। इसमें कोई आतंकी नहीं है बल्कि रॉन्ग साइड वाले वो हथियारे हैं जो चंद मिनट और चुल्लू भर पेट्रोल बचाने के लिए किसी की भी जिंदगी की लकीरों को मिटा देते हैं। और इन लोगों के हाथों में AK-47 नहीं बल्कि वो स्टीयरिंग है जिससे वो किसी को रौन देना मामूली बात समझते हैं और बदले में कहते हैं सॉरी। तस्वीरें देखिए जरा, ये वीडियो देखिए, अब आपको ये हैरान करने वाला वीडियो लगेगा, अनबिलीवेबल है। ऐसे ही एक लड़के का नाम है कुलदीप ठाकुर, जिसने बीते रविवार को गुरुग्राम की एक सड़क पर रॉन्ग साइड आते हुए अपनी कार से 23 साल के अक्षत गर्ग की जान ले ली। अक्षत उस दिन अपनी बाइक से साइबर सिटी से एम्बियंस मॉल की ओर जा रहा था, तभी कुलदीप की कार रॉन्ग साइड से सामने आ गई, क्योंकि बाइक की स्पीड तेज थी, इसीलिए अक्षत को संभलने का मौका नहीं मिला और ऐसी टक्कर हुई कि अक्षत कई फीट तक हवा में उछला और सड़क पर गिरने के बाद ही दम तोड़ दिया। लेकिन इस खबर को हादसा कहकर भूल जाना एक बड़ी गलती होगी, क्योंकि इस समय भी ऐसे हजारों कुलदीप देश की सड़कों पर खुलेआम घूम रहे होंगे जिनकी लापरवाही से कई लोगों की जान जा सकती है। यह हादसा किसी के साथ हो सकता है, यहां पर तो एक बाइक सवार था। अभी नोएडा में बारिश हो रही थी, कुछ दिन पहले की बात है, मैं जा रहा था और रॉन्ग साइड से एक गाड़ी आ रही थी और वो गाड़ी में जो लोग बैठे थे वो फोन पर भी बात कर रहे थे और दबंगई दिखा रहे थे अपनी। सोचिए, आप अपने परिवार के साथ कहीं जा रहे हो, तमाम नियम कानून का पालन करके सही लेन में गाड़ी चला रहे हो, तभी अचानक से कोई गाड़ी रॉन्ग साइड से आकर आपको टक्कर मार दे। आज बहुत से लोग इस वीडियो को देखने के बाद यही पूछ रहे हैं, आखिर क्यों ना इसे जान पूछ कर की गई हत्या माना जाए, क्यों ना कार सवार को हत्यारे के रूप में और स्टीयरिंग को एक बंदूक के तौर पर देखा जाए जिसने आज एक घर का चिराग बुझा दिया और बदले में कह दिया सॉरी। जरा वीडियो के इस हिस्से को भी गौर से सुनिएगा, झकझोर देने वाला वीडियो है। सोचिए, एक लड़के की मौत का जवाब क्या सॉरी हो सकता है। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि आरोपी कुलदीप ठाकुर को एक लड़के की जान लेने के कुछ ही देर बाद थाने से जमानत मिल गई। अब वो बिहार भी जा चुका है और हो सकता है कि वो इस खबर को देखने के बाद भारत के कानून और उसके कमजोर सिस्टम के बारे में सोचकर हंस भी रहा हो। वैसे आरोपी कुलदीप ठाकुर के बारे में हमने एक और चौंकाने वाली जानकारी हमें मिली है जो हम आपको बताते हैं। कुलदीप ठाकुर असल में रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने का सीरियल ऑफेंडर है, बस उसके हाथों किसी की जान पहली बार गई है। हमने जब पड़ताल की तो यह पता चला कि पिछले ही महीने 24 अगस्त को भी गलत दिशा में गाड़ी चलाने की वजह से उसका 500 रुपए का चालान काटा गया था। लेकिन सोचिए, इससे भी कुलदीप को कोई फर्क नहीं पड़ा और हमें यकीन है आगे भी आरोपी ऐसे ही कानून की धज्जियां उड़ाएगा, क्योंकि उसे भी पता है कि उसका ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो भविष्य में फिर अपनी कार को उसी लापरवाही से चलाएगा, किसी इंसान के भविष्य की रेखा मिटा देगा, क्योंकि उसके दिमाग में हो गया तो हो गया और जब दिमाग में ये सोच हो, ये एटीट्यूड हो, तो ऐसे हादसे होते रहेंगे। जैसे आप शायद ना जानते हो, इस देश में रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर 500 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का जुर्माना किया जाता है। बार बार अपराध करने पर जेल और ड्राइवर का लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है। लेकिन गुरुग्राम के इस केस में जरा पुलिस की लापरवाही देखिए, आरोपी कुलदीप ठाकुर का लाइसेंस चेक किए बगैर उसे थाने से जमानत दे दी गई। बाद में बताया कि हो सकता है उसके पास लाइसेंस ही ना हो। जब सवाल उठे तो अब पुलिस ने कहा है कि बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने की धाराएं जोड़कर आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन पहले जब गिरफ्तारी हुई थी तब कौन कौन सी धाराएं लगी थी ये देखिए, धारा 106 लापरवाही से मौत का कारण, धारा 281 तेज गाड़ी चलाना, धारा 324(4) शरारत के कारण 20,000 रुपए की से अधिक की क्षति, धारा 166 मोटर वाहन दुर्घटना के बाद मुआवजा। आरोपी पर गैर इरादतन हत्या का केस क्यों दर्ज नहीं हुआ? जवाब में गुरुग्राम के एसएपी विकास कौशिक ने साफ कहा है कि पुलिस को फिलहाल केस गैर इरादतन हत्या का नहीं लग रहा है, यानी अक्षत के परिवार ने अपना जवान बेटा खो दिया और पुलिस ने इसे बस एक मामूली, एक कॉमन रोड एक्सीडेंट माना है।
राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया, जहां पर एक तेज रफ्तार बाइक सवार एसयूवी कार से टकरा गई। पंद्रह सितम्बर को सुबह 6 बजे द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन से एमबीपी रोड की तरफ से एक बाइक पे मृतक अक्षय थे, वो जा रहे थे, तो सामने से क्रॉस साइड से एक्सयूवी 300 गाड़ी थी जिससे टकराने से उनकी मृत्यु हुई। ठीक इसी जगह पर रोड साइड से आ रही एसयूवी कार से उसकी बाइक टकरा गई, जिसके चलते अक्षत की मौत हो गई। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि अक्षत बाइक पे सवार होकर जा रहा है और अचानक यहां पर रोंग साइड से आ रही एसयूवी कार से वो टकरा जाता है और कार से दूसरी तरफ जाकर वो गिर जाता है। थाने के अंदर खड़ी ये अक्षत की बाइक आपको नजर आएगी, जो कि पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी है। गाड़ी किस कंपनी की थी ये तक बताना बहुत ही मुश्किल है। देख सकते हैं कि जब वो बाइक आई थी तो ये जो कार है इसके आगे के हिस्से पर टकरा गई थी और ये हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। इससे कुछ नहीं है, क्यों उसको छोड़ा गया, मेरे को यही है कि क्यों छोड़ा गया उसको, क्यों छोड़ा गया कि भाई मेरा बच्चा चला गया, लेकिन वो आराम से सोया उस रात, वो आराम से सोया, क्यों पुलिस ने उसको छोड़ा, बस मुझे यही बोलना है। इस तरीके के जो मुकदमे पहले भी होते रहे हैं, जो घटनाएं पहले भी होती रही हैं, उनमें जिस तरीके से कार्रवाई हम लोग करते हैं SOP के तहत, उसी तरीके की कार्रवाई इसमें भी की गई है। बहुत अफसोस की बात यह है कि इस देश में रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने को शान समझा जाता है और इससे हासिल क्या होता है, थोड़ा सा पेट्रोल बच जाता है और चंद मिनट की बचत हो जाती है, बल्कि एक माइंडसेट है कि बहुत दूर से जाना पड़ेगा। अक्सर ट्रक वो भी रॉन्ग साइड चले जाते हैं। हाईवेज या गुड़गांव जैसी जगह जहां पर लंबे लंबे रास्ते हैं, वहां पर तो ये बहुत कॉमन फीचर है, लेकिन रॉन्ग साइड ड्राइविंग से किसी की जान भी जा सकती है। फिर भी लोग गलत दिशा में गाड़ी चलाने के बहाने क्या बनाते हैं, थोड़ा सा जल्दी में हूं, कौन इतना लंबा यूटर्न ले, बस थोड़ी ही दूर तो रॉन्ग साइड जाना है। कुछ लोग दूसरों को देखकर गलत दिशा में जाना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि जब बाकी लोग ऐसा कर रहे हैं तो उनके अकेले नियम पालन करने से क्या हो जाएगा, थोड़ा तेल और समय बच जाता है। और कई बार गलत दिशा में गाड़ी चलाने का यह भी तर्क देते हैं कि सुबह सुबह सड़क खाली तो है, लेकिन ये बहाने किसी की जान ले सकते हैं। गुरुग्राम में 23 वर्ष के लड़के अक्षत गर्ग की मौत इसका सबसे बड़ा सबूत है। इस खबर के जरिए आज एक और बात जिस पर हम सभी को सोचने की बहुत आवश्यकता है। हमने इस देश में ऐसे कई हाईवे और एक्सप्रेसवे बना लिए हैं जिन पर किसी इमरजेंसी में हमारे लड़ाकू विमान और हवाई जहाज लैंड कर सकते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सड़क पर अनुशासन से चलने की तमीज नहीं सीख पाए हैं। ये ऐसे ही कुलदीप ठाकुर जैसे लोग जो सड़क पर चलती फिरती मौत बनकर घूमते हैं, जो अपनी एक गलती से किसी को भी मौत के मुंह में धकेल सकते हैं। इसीलिए अब सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि आप सड़क पर कितनी अच्छी गाड़ी चलाते हैं, ये सारे नियम कायदे फॉलो करते हैं, बल्कि अब आपको अपनी गाड़ी के साथ ऐसे लोगों से भी बचने की जरूरत है जो बहुत लापरवाही से नियम कानून को कुचलते हुए आगे बढ़ते हैं और किसी सुसाइड बॉम्बर की तरह सड़कों पर आतंक फैलाते हैं। अब आपको सड़कों पर होने वाले वार्षिक संहार से जुड़े आंकड़े बताते हैं। दुनिया में भारत ही ऐसा देश है जहां सड़क हादसों में सबसे ज्यादा लोगों की मौत होती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर घंटे सड़क हादसों में 17 लोगों की मौत होती है। इनमें से 60% से ज्यादा मौतें ओवर स्पीड यानी ज्यादा रफ्तार में गाड़ी चलाने की वजह से होती हैं। रैश ड्राइविंग और गलत तरीके से ओवरटेक करने जैसी गलतियों को जोड़ दिया जाए तो औसतन 20-25% मौतें इसी लापरवाही से होती है। 6% मौतें रॉन्ग साइड ड्राइविंग से होती हैं। यह भी नोट करने वाली बात है कि ट्रैफिक नियम को तोड़ने के जितने मामले होते हैं उनका 20% हिस्सा रॉन्ग साइड ड्राइविंग का होता है, लेकिन गलत दिशा में गाड़ी चलाने से जो हादसे होते हैं उन्हें किसी भी हाल में हादसा नहीं कहा जा सकता। ये एक तरह से हत्या है और भारत में हर साल बहुत बड़ी संख्या में ऐसी हत्याएं होती हैं। साल 2018 में भारत में गलत दिशा में गाड़ी चलाने की वजह से जो हादसे हुए उनमें 8000
764 लोगों की मौत हुई। साल 2019 में 9,200 लोगों ने रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से अपनी जान गंवा दी। इसी तरह वर्ष 2020 में रॉन्ग साइड ड्राइविंग के चलते इस देश में 7,332 लोगों की मौत हुई, जबकि 2021 में गलत दिशा में गाड़ी चलाने वाले लोगों ने 8,122 लोगों को मार दिया। इसके अलावा वर्ष 2022 में ऐसे हादसों की संख्या 9,094 थी। इसीलिए अब इस पर बहस होनी चाहिए, आखिर लोगों में रॉन्ग साइड ड्राइविंग का डर क्यों नहीं है, आखिर लोगों में यह खौफ क्यों नहीं है कि अगर उनकी लापरवाही से किसी की जान गई तो क्या होगा, वो भी तब जब ऐसे मामलों में गलत दिशा में गाड़ी चलाने वाला इसके खतरों से पूरी तरह वाकिफ होता है। इसीलिए न सिर्फ गुरुग्राम के केस में बल्कि ऐसे सभी लोगों पर सड़क दुर्घटनाओं के मामले में हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए जो खतरे से वाकिफ होते हुए भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं।